नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आइए आज हम आपको टेपर टर्निंग करना सिखाएंगे लेथ मशीन पे कि टेपर टर्निंग करते कैसे हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने आपको टर्निंग, स्टेप टर्निंग और फेसिंग ऑपरेशन लेथ मशीन पर करके दिखाए थे, आज हम आपको टेपर टर्निंग करना सिखाएंगे कि टेपर टर्निंग लेथ मशीन पर कैसे की जाती है। देखिए, हमारे पास एक ड्राइंग हमने बनाई हुई है टेपर टर्निंग की, ठीक है दोस्तों। इसमें जो हमने मटेरियल लिया है वो है हमारा माइल्ड स्टील का, और जिस जॉब पर हमने वर्क करना है उसका हमारा जो डाया है वो है 26 mm का, और टेपर जो लेंथ है वो हमारी 40 mm की है, और जो स्मॉल डाया है हमारा जहाँ पे हमने टेपर को काटने जहाँ से स्टार्ट करना है वो हमारा 20 mm का। तो टेपर निकालने से पहले हमें इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लेथ मशीन पर टेपर जो हम काटते हैं वो एंगल कैसे निकलता है। उसका ये फॉर्मूला है, वो होता है हमारा जो हमारा बड़ा डाया होता है उसमें छोटा डाया माइनस करके गुणा में 28 और बटे में टेपर लेंथ। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास उसकी डिग्री आ जाएगी 4.2 डिग्री। तो हम इसको लगभग 4 डिग्री के करीब उसमें हम एंगल को लेथ मशीन पर सेट कर लेंगे। वो हमें आप बताएंगे अभी आपको कि वो एंगल सेट कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम लेथ मशीन पर आपको दिखाएंगे कि टेपर टर्निंग कैसे की जाती है। बोला था अब हम लेथ मशीन पर चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लेथ मशीन पर यहाँ पे डिग्री यहाँ पे ये मेंशन की होती है, ठीक है ना। ये हम जो नट होता है यहाँ से इसको लूज़ कर देंगे, ये हमारा दोनों साइड लगा होता है, दोनों साइड से लूज़ करके फिर हमें इस पर ये देखिए ये 0 डिग्री है यहाँ पे, और 0 के बाद जो ये पहली लाइन है ये हमारी 1 डिग्री होती है, उसके बाद 2, 3, 4 हमारा 4 डिग्री आया था, तो इसे हम 4 डिग्री पर सेट कर देंगे। ये देखिए हमारा 4 डिग्री पर ये सेट हो चुका है हमारा एंगल। इसके बाद हम रेंच की सहायता से नट को टाइट कर देंगे ताकि हमारी जो टेपर स्लाइड है वो हिले ना। तो ये हमने मशीन स्टार्ट कर दी है और धीरे धीरे करके हम इस पर कट लगाएंगे। इसमें जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे कट देने के लिए हम क्रॉस स्लाइड का यूज़ करेंगे, ये हमारी क्रॉस स्लाइड है, और लेंथ को हम आगे बढ़ाने के लिए टेपर स्लाइड का यूज़ करेंगे। ये देखिए आप धीरे धीरे हम टेपर स्लाइड को मूव कर रहे हैं, इसकी सहायता से वो अपनी लेंथ और डाया दोनों मेंटेन करेगी। धीरे धीरे आपने टेपर स्लाइड को ऐसे दोनों हाथों से घुमाना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लेंथ मेंटेन हो रही है हमारी पेपर की। लेंथ मशीन पर आपने हमेशा काम करते हुए ये देखिए सेफ्टी ग्लव्स, कॉटन ग्लव्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपके हाथ में कोई चिप्स ना लगे। ये देखिए पहले कट में हमारी हल्की सी लेंथ मेंटेन हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में बताया था कि हमने 40 mm की टेपर लेंथ मेंटेन करनी है। अब हम क्रॉस स्लाइड से हल्का सा कट देंगे और फिर टेपर स्लाइड की सहायता से हम इस स्लाइड को मूव कराएंगे आगे की तरफ, जिससे कि हमारी टेपर लेंथ और जो हमारा फ्रंट डाया है जॉब का वो दोनों मेंटेन हो जाएंगे।
जितनी आराम से हम इस स्लाइड को चलाएंगे उतनी हमारी फिनिशिंग देखिए इस पर कितनी स्मूथ और कितनी साफ आएगी, देख सकते हैं आप फिनिशिंग इतनी अच्छी आ रही है इस पर। बस हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमें पेपर स्लाइड है बिल्कुल दोनों हाथों से पकड़ के इसको मूव कराना है ताकि झटका ना लगे इसमें। तो इस तरह हमारा जो हमारा डाया और लेंथ थी वो दोनों हमारे इसमें मेंटेन हो चुकी है, देख सकते हैं आप इस पर ये हमारी पेपर इस पर कट चुकी है, देख सकते हैं आप। जैसे हमारी पेपर कट चुकी है इसमें 40 mm लेंथ तक, और जो फ्रंट कट आया है वो हमारा 20 तक पूरा मेंटेन हो चुका है। तो इस तरह हमने आज लेथ मशीन पर पेपर टर्निंग करना सीखा। इसके बाद हम और भी वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे इस चैनल पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।